हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के एक नए टॉपिक के बारे में। एक्जैक्टली एक नया चैप्टर है, चैप्टर 7 अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ यू नो पाइथन क्लास 12। और वो चैप्टर का नाम है आपका आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी, यानी कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है और बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी, तो सबसे पहले एक टर्म आता है, वो टर्म ये आता है कि आखिर एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एल्गोरिथम, हालांकि TIHM, ठीक है, एल्गोरिथम बेसिकली देखिए जैसे कि आप प्रोग्राम लिखने जाते हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम में कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं वन बाय वन, और तब आपका एक प्रोग्राम कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है एग्जैक्टली, जब आप कंप्यूटर साइंस में आते हैं तो फर्स्ट वर्क ये होता है कि आप सबसे पहले एल्गोरिथम लिखना सीखें। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम जो होता है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो एक इंडिपेंडेंट चीज होती है। और एक बार जब आप किसी चीज के लिए, यानी किसी भी टास्क के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए जब आप एल्गोरिथम लिख लेते हैं, तो उस एल्गोरिथम को आप चाहे सी में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे वो सी प्लस प्लस में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे वो जावा में क्या कर लीजिए कन्वर्ट, या पाइथन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एल्गोरिथम कुछ नहीं होता है, बल्कि ये क्या है, तो एक तरह से ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर व्हाट? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम कभी भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्पेसिफिक नहीं होता है, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो ये होता है हमारा एल्गोरिथम। जैसे कि सपोज कीजिए मैं अगर आपके घर आता हूँ और आपसे कहता हूँ कि मुझे एक कप चाय पिलाइए, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप वहां से उठेंगे, जहां भी बैठे थे मतलब मेरे सामने अगर बैठे हैं, तो फिर आप सबसे पहले स्टेप नंबर वन में उठने के बाद आप सेकंड स्टेप में आप किचन जाएंगे, फिर वहां पे केतली लेंगे, उसमें दूध पानी जो भी चीनी फिर चाय पत्ती जो भी चीजें होती है उसको एक एक करके डालेंगे, फिर उसको खिलाएंगे और खिलाने के बाद उसको कप में डाल के फिर वहां से मेरे पास आके मुझे देंगे। तो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आप फॉलो करेंगे उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। और इसी एल्गोरिथम को हम आगे चल के प्रोग्राम में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें से कोई भी सीक्वेंस अगर आप उल्टा पुलटा करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब केतली को मतलब रखने से पहले, अगर आप केतली को बर्नर पर रखने के पहले आप डायरेक्ट पहले पानी डाल दें तो फिर क्या होगा, मतलब स्टेप्स बिल्कुल क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली सही होने चाहिए, क्योंकि उसी को आगे चल के आप जब प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो सेम वही टास्क आपका कंप्यूटर क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो ये होता है हमारा एल्गोरिथम। अब आइए नेक्स्ट होता है एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी। एल्गोरिथम से ही ये वर्ड निकलता है, एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी। इसका मतलब ये होता है कि आप जो एल्गोरिथम लिख रहे हैं वो कितना अच्छा है। ठीक है, देखिए एक टर्म होता है, होता है गुड प्रोग्रामिंग, एक होता है बैड प्रोग्रामिंग। गुड प्रोग्रामिंग का मतलब ये हुआ कि आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो सबसे कम समय लेता है और सबसे कम स्पेस लेता है, ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। तो सपोज कीजिए कि 100 लोग की टीम है, मतलब 100 सपोज कीजिए आपके बैच में 100 लोग हैं, आपके साथ 100 स्टूडेंट साथ में पढ़ते हैं, और उसमें से एक प्रोग्राम को लिखने के लिए दिया गया, तो जिसका प्रोग्राम सबसे कम टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में और सबसे कम टाइम मतलब सबसे कम मेमोरी स्पेस लेगा, यानी सबसे कम टाइम मिलेगा और सबसे कम मेमोरी मिलेगा, उस प्रोग्राम को हम कहेंगे सबसे बेहतर प्रोग्राम है। तो आखिर उसको जज करना पड़ेगा ना, आपको उस प्रोग्राम को चेक करना पड़ेगा कि आखिर वो सब मतलब 100 लोगों के लिखे हुए प्रोग्राम में किसका प्रोग्राम जो है वो सबसे कम जगह ले रहा है, यानी कब सबसे कम मेमोरी ले रहा है, और जिसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है सबसे कम है, तो वो चेक करना होगा। और चेक करने के बाद हम बता सकते हैं कि हाँ ये वाला जो है, यानी किसी भी स्टूडेंट का सबसे कम आया, हम बोलेंगे हाँ ये जो है वो बेस्ट एल्गोरिथम है। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी। अगर हमें मैंने कुछ डेफिनेशंस यहां लिख रखे हैं, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो ये पहला पॉइंट है कि एन एल्गोरिथम इज ऑलवेज टेस्टेड, यानी एक एल्गोरिथम को हमेशा चेक किया जाता है फॉर इट्स एफिशिएंसी, कि ये कितना एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि ये क्या, जब इनपुट ग्रो करेगा, मतलब जब उस प्रोग्राम में बहुत सारा डेटा दिया जाएगा, कहीं स्लो ना हो जाए, कहीं हैंग ना हो जाए, कहीं काम करना बंद ना कर दे, कहीं परफॉर्मेंस कम ना हो जाए, तो इन सब चीजों के लिए क्या किया जाता है, एफिशिएंसी जरूर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके बैंक का ही सॉफ्टवेयर लें, जो आप PNB बैंक यूज करते हो, SBI बैंक यूज करते हो, HDFC बैंक यूज करते हो, ICICI बैंक, कोई भी बैंक यूज करते हो, तो मान लीजिए उसके लिए आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम आपने लिस्ट हिसाब लिखा है कि 100-200 लोगों के लिए काम करेगा, लेकिन जब उस पर करोड़ों कंज्यूमर्स आ जाएंगे
तो क्या वही प्रोग्राम उतनी ही एफिशिएंटली सारे कंज्यूमर्स के लिए एप्लीकेबल होगा? क्या सारे कंज्यूमर्स जब इतनी संख्या बढ़ जाएगी, इतना डेटा बढ़ जाएगा, तो क्या वो काम कर पाएगा? उसी को हम चेक करते हैं किसके जरिए, एल्गोरिथम्स की एफिशिएंसी के जरिए। तो हमेशा चेक किया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी किसी भी एल्गोरिथम का जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत सारे इंटरनल और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। हमें जो पढ़ना है इंटरनल फैक्टर्स, दो चीजें होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। फर्स्ट है टाइम रिक्वायर्ड, जो मैंने अभी तुरंत समझाया कि किसी एक प्रोग्राम को रन करने में कितना टाइम लगता है, और दूसरा स्पेस रिक्वायर्ड, यानी कितनी मेमोरी वो यूज करता है जब क्या करता है वो प्रोग्राम रन करता है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स में है कि कंप्यूटर की स्पीड कितनी है, मतलब कौन सा है, i3 कोर, वो i3 है, i4 है, i5 है, i6 है, कौन सा है, वैसे क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर, किस क्वालिटी का कंप्यूटर है, अमाउंट ऑफ इनपुट, यानी कि आप इनपुट कितना उसे दे रहे हैं उस एल्गोरिथम को प्रोसेस करने के लिए। तो ये सब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि ये कंट्रोलेबल होते हैं। कंट्रोलेबल का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास बहुत पुराना कंप्यूटर है, आप क्या कर लेंगे, कंप्यूटर फास्ट ले आएंगे, i3 नहीं, आप सपोज आपके पास i3 है, आप i4 ले आएंगे, i5, i7, जो भी ले आएंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आप चाहें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली जो हमें स्टडी करना होता है वो इस इंटरनल फैक्टर को क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। क्यों, रीजन यहां दिया हुआ है कि दिस इज स्टडीड, किसके बारे में कहा जा रहा है, हमारे इंटरनल फैक्टर्स के बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज स्टडीड, इसको स्टडी किया जाता है एज, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स डिटरमाइंस एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी इंटरनल फैक्टर्स ही जो है वो किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा टाइम और स्पेस, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। अगला टर्म आता है, वो आता है कि कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी रेफर्स टू, अब एक देखिए फिर से वही चीज है, एल्गोरिथमिक बहुत तरीके से कहा जाता है, एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत टर्म्स हैं, तो वही चीज लिखा हुआ है, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी रेफर्स टू द मेजर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम। मतलब एल्गोरिथम की एफिशिएंसी आप अगर पता कर रहे हैं तो उसको एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी भी कह लेंगे, उसको कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी कह लेंगे, बहुत सारी चीजें, यानी कंप्यूट कर रहे हैं आप किसी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को क्या कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं। तो आपको जिस तरीके से बोलना है उस तरीके से बोल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपका, एल्गोरिथम्स आर यूजुअली कंपेयर्ड अलोंग विद टू डायमेंशंस, यही टू डायमेंशंस होते हैं, हमेशा एल्गोरिथम को हम टू डायमेंशंस पे कंपेयर करते हैं। फर्स्ट जो डायमेंशन होता है वो होता है अमाउंट ऑफ स्पेस, कितना स्पेस वो लेता है, और दूसरा होता है टाइम टेकन, यानी कि वो कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है बिग ओ नोटेशन, जब हम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं, मान लीजिए हमें कोई एल्गोरिथम दिया गया और उस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी हमने फाइंड आउट कर ली, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस नोटेशन को यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, बिग ओ नोटेशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि यहां से लेके सपोज ये पॉइंट ए से लेके और पॉइंट बी तक की दूरी निकालिए, ठीक है, तो आपने दूरी निकाल ली, अब आप उस दूरी को किलोमीटर में दिखाना चाहते हैं, किलोमीटर में दिखाना चाहते हैं, माइल्स में दिखाना चाहते हैं, किस में दिखाना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही कोई आपको एक एल्गोरिथम दे दिया गया, आपने उस एल्गोरिथम की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास तरीका है उसे हम कहते हैं बिग ओ नोटेशन। तो बिग ओ नोटेशन इज यूज टू डिपिक्ट एन एल्गोरिथम्स ग्रोथ रेट, द ग्रोथ रेट डिटरमाइंस द एल्गोरिथम्स परफॉर्मेंस When input size grows, मतलब आप क्या करते हैं बेसिकली, जब बिग ओ नोटेशन निकालते हैं तो आप ये देखते हैं कि जब आपके इनपुट साइज को ग्रो किया जाएगा, मतलब आपके एल्गोरिथम में जब इनपुट बढ़ाया जाएगा, ज्यादा इनपुट होता चला जाएगा, तो आपका एल्गोरिथम कैसा परफॉर्म करेगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड बिग ओ नोटेशन। नेक्स्ट आते हैं, एक बहुत अच्छा टर्म है डोमिनेंट टर्म, क्योंकि इसमें हम बहुत बार इस टर्म को यूज करेंगे, डोमिनेंट टर्म। डोमिनेंट टर्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो ये है व्हाइल डिस्क्राइबिंग द ग्रोथ रेट, जब हम ग्रोथ रेट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम के, तो वी सिंपली कंसीडर द टर्म व्हिच इज गोइंग टू अफेक्ट द मोस्ट, याद रखिएगा, व्हिच इज गोइंग टू अफेक्ट द मोस्ट एंड इज कॉल्ड डोमिनेंट टर्म। मतलब कि जब हम किसी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम जो सबसे बड़ा टर्म होगा, ठीक है, वो हम निकालेंगे तो बताएंगे आपको कैसे वो फाइंड आउट करते हैं। जब आप किसी एल्गोरिथम का ग्रोथ रेट निकाल रहे हैं तो उसमें ग्रोथ रेट निकालते वक्त जो सबसे बड़ा टर्म होगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा आपके एल्गोरिथम को प्रभावित करेगा, उसे जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे, डोमिनेंट टर्म कहेंगे। तो ये है थ्योरी सेक्शन जो आपके इस चैप्टर से बिलोंग करता है।
तो ये आप लिख लें, ठीक है? ये मैं थोड़ा साइड में हट गया ताकि आप इसको अच्छी तरह से लिख सकें। और इसको लिखने के बाद हमारे पास बस एक चीज ये बचता है कि कैसे हम कंप्यूट करेंगे किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को। तो चलिए वो भी करके देखते हैं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकली एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसी चीज को, किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को, यानी कि कंप्यूटिंग कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी को हम कंप्यूट करने जा रहे हैं, तो क्या हम करेंगे, कैसे कंप्यूट करेंगे? तो ये इसी से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको, कंप्यूटिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? इसको ध्यान समझिए। जो थ्योरेटिकल सेक्शन मैंने दिया वो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए, या हो सकता है कि 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटिंग कॉम्प्लेक्सिटी में जैसे सबसे पहला हम कॉम्प्लेक्सिटी जो कंप्यूट करेंगे वो लूप्स का करेंगे। तो अगर मैं एग्जाम्पल लू, सपोज कीजिए आपके बुक का एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए इसमें दिया हुआ है क्या, फॉर आई इन रेंज, आई इन और क्या इन ब्रैकेट रेंज, कोई भी वैल्यू यहां आप दे सकते हैं, जैसे इसमें लिया हुआ है एन और फिर इसमें लिखा हुआ है m इक्वल टू m प्लस टू। अब इसका जो है मुझे निकालना है, मुझे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस लूप की बात करूं तो ये लूप जो है वो n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? ये तो पता ही है ना, क्योंकि n यहाँ पे लिखा है मैंने, तो ये लूप जो है वो जा रहा है एग्जीक्यूट होने कितनी बार, n टाइम्स एग्जीक्यूट होने जा रहा है। तो अगर ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होने जा रहा है तो ये हो गया, इस लाइन की अगर हम बात करें तो ये n टाइम्स होगा, और हर बार ये सी ये कांस्टेंट टाइम लेगा। ये क्या लेगा, कांस्टेंट टाइम, मतलब ये एक ही स्टेटमेंट है ना, तो ये कांस्टेंट टाइम लेगा, ठीक है? तो लेट दैट कांस्टेंट टाइम इक्वल टू सी। तो अगर मैं इसकी एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी निकालूं, अगर कॉम्प्लेक्सिटी निकालूं, अगर इसको मैं सिंपली टर्म में कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की बात करूं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल के आएगी, तो आपको ये देखना होता है, ध्यान समझिएगा कि कितनी बार ये चल रहा है, एन टाइम्स चल रहा है, ठीक है? और एक ही स्टेटमेंट है ना, तो जो कांस्टेंट टाइम लग रहा है दैट मींस व्हाट, मल्टीप्लाइड बाई सी एन, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स, एंड सी मतलब कॉन्स्टेंट टाइम, मतलब कि क्या हुआ कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स तक ये स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं, बार 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 रन हो रहे हैं। तो ये हो गया आपको क्या, हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। इसी को अगर आप आगे चल के ढंग से तरीके से लिखिएगा तो सी मल्टीप्लाइड बाई एन या एन मल्टीप्लाइड बाई सी, वॉट एवर, ये हो जाएगा क्या, सी एन, और आप इसको बिगो नोटेशन लिखेंगे ओ एन। That means, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी क्या, ओ एन। एन क्यों, क्योंकि आपका जो है एन नंबर ऑफ टाइम्स ये कॉन्स्टेंट टाइम क्या चल रहा है, चल रहा है। तो ये होता है मतलब एक लूप, कभी भी अगर कोई भी एक ऐसी चीज है जिसमें एक लूप है तो वो एक लूप हमेशा कितना टाइम लेगी, ओ एन टाइम लेगी, ठीक है? तो ये होता है लूपिंग। अब आते हैं नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट पे। तो जैसे कि हमने देखा तुरंत कि कोई भी अगर एक सिंगल लूप होता है, ठीक है, तो वही वही बात है, कांस्टेंट टाइम तक जो है, कांस्टेंट टाइम तक एन नंबर ऑफ टर्म्स वो चलता है, सो दैट्स व्हाई वो कितना हो जाता है, सी एन हो जाता है। और इसीलिए हमारा बिग ओ नोटेशन कांस्टेंट को हम इग्नोर कर देते हैं, ओ एन होता है किसके लिए, लूप के लिए। तो किसी भी सिंगल लूप का कोई भी प्रोग्राम आप देखिए, सीधे बोल दीजिए कि हाँ उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ओ एन होता है। अब आते हैं नेस्टेड लूप में। तो मान लीजिए नेस्टेड लूप में हम फिर से वही लगाते हैं कि फॉर आई इन रेंज, और मान लीजिए हम यहां पे क्या डालते हैं, एन डालते हैं, ठीक है? और फिर इसके अंदर भी हम वही सेम डालते हैं फॉर सपोज कीजिए जे इन रेंज, ठीक है? और यहां फिर एन ही डालते हैं, और फिर यहां कोई एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, मान लीजिए एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, कुछ भी, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एन सपोज कीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहां पर स्टेटमेंट और प्रोग्राम ही समझा रहा हूं एफिशिएंसी, ठीक है? अब देखिए, जब मैंने लूप समझाया था तो मैंने बताया था कि जो ये एक लूप चलता है वो एन टाइम्स चल रहा है, ठीक है? वैसे यहां पे जो ये दूसरा लूप चल रहा है ये भी तो एन टाइम्स चल रहा है, ठीक है? और जो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा बार बार, ये लेगा कांस्टेंट टाइम, ये क्या लेगा मेरा, कांस्टेंट टाइम। सो अगर मैं टाइम टेकन कंप्यूट करूं, अगर कि कितना टाइम लेगा, अगर ये इसका मैं कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले टाइम टेकन कंप्यूट करूं इसका, तो टाइम टेकन क्या होगा, कांस्टेंट टर्म यानी कि सी, जैसे कांस्टेंट टाइम मान लीजिए सी मैं ले लेता हूं, तो सी मल्टीप्लाइड बाई एन टाइम्स तक ये लूप चलेगा और फिर एन टाइम्स तक ये लूप चलेगा। तो मतलब क्या हुआ, सी एन स्क्वायर। अब अगर हम इसको कॉम्प्लेक्सिटी के रूप में डिनोट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ एन स्क्वायर, क्योंकि बिगो नोटेशन ये होता है। तो मतलब क्या हुआ कि एन स्क्वायर जो होता है वो किसी भी नेस्टेड लूप का क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होता है। ये भी हमेशा फिक्स रहता है, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो तो हमेशा कांस्टेंट टाइम लेंगे, चाहे वो एक स्टेटमेंट हो चाहे वो 1000 स्टेटमेंट हो, ठीक है? तो ये हो गया मेरा कांस्टेंट नेस्टेड लूप का।
अब आते हैं थर्ड है कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट्स, वो क्या होते हैं उनको देखते हैं। तो जो हमारा थर्ड है वो है कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना। कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट सपोज कीजिए एक साथ दिए हुए हो, उसमें लूप भी हो, उसमें नॉर्मल स्टेटमेंट भी हो, तो उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे कंप्यूट करेंगे, याद रखिए यही जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसी तरीके का यूज करके आप जो है वो प्रोग्राम्स की कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे एग्जांपल में मैं लूँ, मान लीजिए आपका एक प्रोग्राम है कुछ ऐसा है कि x इक्वल टू x प्लस वन, देन एक लूप लग रहा है फॉर i इन रेंज और इसमें है n, और फिर इसमें स्टेटमेंट दे रहे हैं m इक्वल टू m प्लस व्हाट टू, फिर एक लूप लगाना है, इंडिपेंडेंट लूप है, नेस्टेड लूप नहीं, ध्यान रखिएगा। तो फॉर j इन रेंज और इसमें ब्रैकेट मान लीजिए n लगा रहे हैं, और फिर यहाँ पे एक इन, ये है इंटरनल लूप, मतलब इसको कहेंगे नेस्टेड लूप, इस लूप के अंदर एक नया लूप है। तो फॉर k इन व्हाट रेंज, और इसमें भी मान लीजिए n ही दे रहे हैं, और यहां लिखते हैं a इक्वल टू a प्लस वन। अब मुझे इस स्टेटमेंट का क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये एक सिंपल नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये कांस्टेंट लाइफ टाइम लेगा, मान लीजिए C0। अब C0 आपको C0 क्यों मान रहे हो, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं आगे चल के मुझे कांस्टेंट टाइम मिले, जैसे ये स्टेटमेंट में क्या लेगा, कांस्टेंट टाइम लेगा, तो इसको मैंने क्या मान लिया, C1 मान लिया। वैसे ही ये स्टेटमेंट में जो है वो क्या लेगा, कांस्टेंट टाइम लेगा, इसको मैंने क्या मान लिया, C2 मान लिया। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि लूप है तो उसका क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको तुरंत बताया कि नेस्टेड लूप है तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बिगो नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो खुद देखिए ये n टाइम्स चलेगा ना, ठीक है, तो n टाइम्स चलेगा तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, टाइम लेकिन कितना हो जाएगा, c मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक है। और वैसे ही अगर ये नेस्टेड लूप है तो n टाइम्स ये चला, n टाइम्स ये चला, और c2, अगर मैं इसको c1 ले रहा हूं तो यहां पर मैं c1 लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नेस्टेड लूप है, ये भी n टाइम्स चला, ये भी n टाइम्स चला, तो क्या हो जाएगा, c2 मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई n, यानी कि c2 n स्क्वायर, हम कह सकते हैं c2 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया co मतलब c0, तो एक ये हो गया, तो टोटल टाइम टेकन क्या हो गया, देखिए इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि लूप का कितना टाइमिंग होता है, तो c1 मल्टीप्लाइड बाई n, और नेस्टेड लूप कितना टाइम होता है, c2 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर, ठीक है। और ये एक स्टेटमेंट अलग था, तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, तो c0 प्लस c1 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस ये c2 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर। अब इसमें मुझे बताइए डोमिनेंट टर्म कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करने वाला है वो ये है डोमिनेंट टर्म, इसीलिए इसका फाइनली बिगो नोटेशन जो होगा वो ओवन स्क्वायर होगा। अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले डोमिनेंट टर्म पढ़ाया था, जिसमें ये बताया था कि उस कंटेंट को, उस टर्म को हम लेते हैं जो सबसे ज्यादा हमारे प्रोग्राम को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो डोमिनेंट टर्म इसमें क्या है, एन स्क्वायर सबसे बड़ा टर्म, सबसे हैवी टर्म आप कह सकते हैं, इसीलिए इस पूरे की पूरे स्टेटमेंट्स की अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम टेकन की बात करें, तो वो क्या होगा, ओवन स्क्वायर होगा। तो ये हमारा अगर आपको कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट्स का निकालना है क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या यूं कहिए टोटल टाइम टेकन। और नेक्स्ट जो है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट की, वो कितना टाइम लेते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो हमारा जो फोर्थ है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि अगर कोई इफ एल्स स्टेटमेंट है तो उसका कितना होगा हमारा कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम टेकन। तो एग्जैक्टली सपोज कीजिए हम यहां देते हैं, अगर मैं प्रोग्राम का एग्जाम्पल आपका मान लूं, मतलब बुक का एग्जाम्पल है कि इफ बहुत ज्यादा इसको समझना होगा, थोड़ा ध्यान समझना होगा, क्यों, क्योंकि सपोज कीजिए आपके पास है, चलिए बुक की एग्जांपल लेते हैं, इफ लेन इन ब्रैकेट में लिस्ट वन, सपोज कीजिए ये इसलिए ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको एग्जांपल मिल जाएगा, तो आसान जब आपको प्रोग्राम एग्जांपल में आएगा तो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया क्या, रिटर्न फॉल्स, फॉल्स का एफ क्या होगा, कैपिटल होगा, हालांकि ये प्रोग्राम नहीं है, ध्यान रखिएगा। और एल्स यहाँ पे कहते हैं क्या, फॉर I in range in bracket n, ठीक है, और फिर यहां लिखते हैं if list 1 का I is not equal to list 2 का I, then in that case return what, false, ठीक है। तो अब मुझे इसकी जो है वो algorithmic efficiency क्या करना है, find out करना है। तो कैसे find out करेंगे, तो देखिए सबसे पहली बात कि आपको जब एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी फाइंड करना है तो आपको एक एक स्टेटमेंट को लेकर चलना पड़ेगा, जैसे सबसे पहला ये कंडीशन आपका चेक होगा, राइट, ये कंडीशन क्या होगा,
चेक होगा। तो ये कंडीशन जो चेक होगा वो सिर्फ एक लाइन की कंडीशन है, तो ये कांस्टेंट टाइम लेगा हमेशा, मतलब एक लाइन को चेक करने में हमेशा कांस्टेंट टाइम। तो मान लीजिए मैंने C0 लिया, फिर ये एक स्टेटमेंट है, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये भी कांस्टेंट टाइम लेगा, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है। देखिए कांस्टेंट टाइम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक स्टेटमेंट है कांस्टेंट टाइम लेगा, ये भी एक स्टेटमेंट है कांस्टेंट टाइम लेगा। अब आते हैं इस लूप की बात, ये जो है वो लूप है तो ऑब्वियस सी बात है ये एन टाइम्स चलेगा, यानी कि ये जो भी दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये कितने बार चलेंगे, एन टाइम्स चलेंगे। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है इफ, तो अगर मैंने इसको कांस्टेंट टाइम दिया था तो इसको भी हम कांस्टेंट टाइम देंगे मान लिया C2, और ये भी एक सिंगल स्टेटमेंट है तो हम इसको कितना टाइम देंगे C3। तो टोटल टाइम अगर मैं इस फॉर की बात करूं, खुद सोचिए इस फॉर की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितना हो जाएगा, C2 प्लस C3, यानी इन दोनों को ऐड कर दिया और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, एन से, क्योंकि ये दोनों एन टाइम्स चलेंगे। और इन दोनों का तो बड़ा आसान है, इसका क्या C0 प्लस C1 इसका टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। तो कंसोलिडेटेड टाइम टेकन कितना हो जाएगा आप मुझे ये बताइए, अगर कंसोलिडेटेड टाइम टेकन की बात करें तो हम लिख सकते हैं ना C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 मल्टीप्लाइड बाई एन। तो खुद देखिए सबसे डोमिनेंट टर्म हमारा कौन सा आ रहा है, यही टर्म आ रहा है ना, तो हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वैसे सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, इस प्रोग्राम को देखते ही सबसे हेवी चीज आपको क्या लगी, यहां पे ये लूप कितने टाइम चल रहा है, एन टाइम चल रहा है। कोई और ऐसा स्टेटमेंट है जो इससे हेवी है, नहीं, तो आप सीधे यहीं पे कह दीजिए ओ एन है। वैसे ही अगर आपको लूप ऐसे चल रहा है, मान लीजिए फॉर आई इन रेंज, मान लीजिए यहां एन, फिर इसके अंदर फिर एक और लूप था फॉर जे इन रेंज एन, और इसके अंदर कोई स्टेटमेंट था, तो दो लूप है ना, तो n into n क्या हो जाएगा इसका, o n square हो जाएगा। मतलब सीधे देखिए अगर एक लूप है तो o n, दो लूप है nested लूप है तो o n square, ऐसे ही बड़े आसानी से एक एक स्टेटमेंट है तो constant time C0 C1 ऐसे ही, और उसके बाद जो डोमिनेंट टर्म है वो डोमिनेंट टर्म ले लीजिए, n इज द डोमिनेंट टर्म, दैट मीन्स o n क्या होगा इसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा, टाइम टेकन होगा। तो ये था हमारा फोर्थ जो है इफ देन स्टेटमेंट्स का कॉम्प्लेक्सिटी क्या करना, कंप्यूट करना। और फिफ्थ जो है वो हमारा क्या है, लॉगरिथमिक यानी कि लॉग बेस्ड कॉम्प्लेक्सिटी को कंप्यूट करना। इसमें कहता है क्या है कि द लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी मींस दैट एन एल्गोरिथम्स परफॉर्मेंस टाइम हैज लॉगरिथमिक फैक्टर्स एंड एल्गोरिथम इज ओ लॉग एन। मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी इस फॉर्म में कैलकुलेट की जा रही है ओ लॉग एन यानी लॉग के कॉन्सेप्ट में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ठीक है, if it takes a constant time to cut the problem by size of fraction usually half, तो basically ये उतना important नहीं है क्योंकि आपको log वाला concept नहीं पढ़ना है। हालांकि अगर आप पढ़ना चाहें तो आप अपने मर्जी से थोड़ा सा advance पढ़ सकते हैं, exam में ये नहीं आएगा। ठीक है, logarithmic type का exam में आपके नहीं आएगा, so आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में जरूर आपको ये भी पढ़ा दूंगा। तो आई होप ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी होगी और ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं लॉग के, मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी को कंप्यूट करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रोग्राम्स लेंगे और उस प्रोग्राम्स की हम कॉम्प्लेक्सिटी क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे, और देखेंगे कि कैसे किसी बड़े बड़े प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को क्या किया जाता है, कंप्यूट किया जाता है, यानी कि एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को कंप्यूट किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।